नहीं थम रही कांग्रेस नेत्री माया त्रिवेदी की मुसीबतें। पहले आदिवासी संगठनों ने किया था विरोध, अब दलित संगठनों के निशाने पर माया त्रिवेदी। लगातार लग रहे आरोपों से पार्टी की हो रही छवि खराब, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पर उठ रहे सवाल। उज्जैन उत्तर से कांग्रेस नेत्री माया त्रिवेदी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले एक सप्ताह से उन्हें लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासी महिला द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप का मामला भी शांत नहीं हुआ था कि अब दलित समाज द्वारा माया त्रिवेदी के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया गया। दरअसल एक दिन पहले ही उज्जैन में ब्राह्मण समाज की एक बैठक हुई, जिसमें एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने को लेकर एजेंडा तैयार किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस नेत्री माया त्रिवेदी ने की। इसी मुद्दे को लेकर दलित संगठनों में काफी नाराजगी है। सोमवार को इसी मामले में डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी परिषद द्वारा उज्जैन में रोज प्रदर्शन निकाला गया और माया त्रिवेदी का पुतला फूंका। डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सिंह सोलंकी ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस खुद को आदिवासी और दलित के हितैषी बताती है, तो वही दूसरी तरफ उनके ही नेता सामंती सोच रखते हैं। हम लोग सभी यहाँ पर माया त्रिवेदी का उद्बोधन करने के एकत्र हुए थे। हमारा सिर्फ ये कहना क्या माया राजेश त्रिवेदी को सिर्फ दलितों के वोट चाहिए? आप लोगों ने भी देखा हो, कुछ दिनों पहले उन्होंने आदिवासी महिला के साथ मारपीट भी की थी। दूसरा भी कल इन्होंने एक बैठक हुई, बैठक में ये मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। वो बैठक सिर्फ ये था कि एक्सट्रोसिटी एक्ट खत्म की जाए और आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाए। तो क्या ये कांग्रेस की दोहरी नीति ऐसी चलेगी? क्या कांग्रेस को सिर्फ माया राजेश त्रिवेदी को सिर्फ दलितों के वोट चाहिए? क्या हम दिग्विजय सिंह से पूछना चाहेंगे? दिग्विजय सिंह से हमेशा दलित हित से बात करते हैं, हमेशा दलितों के हित में बात करते हैं। क्या उन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया है? उनकी पार्टी की उनकी पार्षद कांग्रेस पार्षद माया त्रिवेदी हमेशा दलितों के अधिकार खत्म करने की बात करती है और अभी भी वो लोग जगह जगह सभाएं करके एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमारी उनसे की समाज के लिए आवाज उठाओ, कुछ भी करो, कैसी मांगे करो, पर कम से कम हमारा अधिकार तो खत्म मत करो। मैं दिग्विजय सिंह से पुनः पूछना चाहूंगा, क्या वो कोई कुछ एक्शन लेंगे, इस पे कोई कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर? प्रदेश में एक तरफ चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर से टिकट की उम्मीद लगाए बैठी माया त्रिवेदी को इस प्रकार के विरोध झेलने पड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा और वक्त पर इस प्रकार के आरोपों का सामना त्रिवेदी कैसे कर पाएंगी। सत्य सटीक बेबाक।